Hey guys, welcome back to another video. So guys, आज मैं वीडियो को कार से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, 2:30 बजे वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. सो गाइज, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. एंड चलो फिर चलते हैं गाड़ी में, कूलेंट चेक कराना है और एक राइट साइड का जो हेडलैम्प का जो बल्ब है उसमें सिर्फ अप काम कर रहा है, डीपर उसका काम नहीं कर रहा है. डीपर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ डाउन काम कर रहा है. तो उसको भी चेंज कराएंगे क्योंकि अभी ट्रिप पे निकलना है, आप लोगों को पता ही है. तो ट्रिप भी लंबा है, रात हो जाएगा पहुंचने में, दिन दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है. सो चलो चलते हैं और वो चेंज कराते हैं और आप लोग से फिर मिलते हैं गाइज. और चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो. और ये वीडियो भी गाइज उसी चैलेंज का है, 30 डेज 30 वीडियोज वाले चैलेंज का. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ हेल्दी नोट. चलो फिर कार को वॉश भी कराना है और वो जो अपना बीजेपी वाला झंडा निकल गया है वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो स्क्रैच लग रहा था उससे, तो वो भी अभी लगवाएंगे क्योंकि उसके बिना तो मजा नहीं है. तो गाइज कार को वॉश कराएंगे और वो अपना झंडा भी लगवाएंगे. तो चलो बस अभी पहुँचने ही वाले हैं मैकेनिक के पास. बोला था मेरे को 2:30 बजे तक आने के लिए, मैं आ गया और ज़्यादा कुछ काम नहीं है, वो सब तो मैंने करा लिया पहले ही जो चेकअप वेकअप कराना था. क्योंकि यार 1200 किलोमीटर शॉर्ट राइड नहीं होता, बीच में कुछ होना नहीं चाहिए गाड़ी में. तो चलो बस पहुँच गए हैं और वहाँ पे पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं और क्या क्या कराते हैं वो आपसे शेयर करते हैं. सो चलो चलते हैं, मैं सेक्टर 46 साइड आया हूँ, इधर ही वो मैकेनिक है जहाँ वॉश भी हो जाती है गाड़ी और ये लोग जो छोटा मोटा जो फॉल्ट होता है वो भी देख लेते हैं. सो गाइज पहुँच गए, इधर ये मैकेनिक का शॉप ये. तो चलो चलते हैं यहाँ पे और इससे मिल के देखते हैं जो भी प्रॉब्लम है और शॉर्ट कराते हैं. पहुँच गया मैं, चलो चलते हैं, गाड़ी वाड़ी बंद करते हैं और उसको बताते हैं कि क्या कुछ करना. तो गाइस ये चेंज कर रहे हैं बल्ब अभी जो फ्यूज हुआ था और अभी मैं प्लग भी निकलवा के चेक कराऊंगा कि वो सही है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखेंगे. तो गाइस ये काम तो मैंने करा लिया, मैं सोच रहा हूँ कि एलईडी करा दूँ लाइट को क्योंकि ना हाइलोजन पे मज़ा नहीं आएगा. तो बल्ब तो मैंने चेंज करा लिया है, अभी सोच रहा हूँ एलईडी कराने के लिए देख रहा हूँ, जा रहा हूँ उसके पास जो कस्टमाइज करता है. तो एलईडी हो जाएगा तो और सही रहेगा अपना. तो चलते हैं उसके पास, देखते हैं अगर हो जाए तो, और उसके पास से फिर आऊँगा तो एक बार कूलेंट का चेक कराऊँ. कूलेंट भी सही है, इसने देख लिया, कूलेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक बार सोच रहा था स्पार्क प्लग निकाल के ना क्लीन करा दो निकलवा के, तो वो भी अभी टाइम है, वो भी करा लूँगा और वॉशिंग के लिए फिर से आ जाऊँगा इसके पास ही. वो क्योंकि वो ना बंद कर देता फिर अपना दुकान, तो बंद करने से पहले चलते हैं उसके पास, करा आते हैं अपग्रेड लाइट को. क्योंकि रात में ना एलईडी होती है तो बहुत सही रहती है, हैलोजन भी सही है बट एलईडी रहती है ना तो और सही हो जाती है. तो चलो देखते हैं वो क्या कितना बोलता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे. ज़्यादा महंगा बोलेगा तो दूसरे जगह चले जाएंगे. और सोच रहा था मैं इसमें सेंसर लगवा दूँ, बैक सेंसर, वो भी देख लूँगा कितने में दे रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग कराऊँगा. तो चलो वहीं पे चलते हैं. एक बार मैं एम्बिएंट लाइट का काम कराया था, आप लोगों को दिखाया था, वहीं पे मैं जा रहा हूँ एनएस कस्टम्स, एम्बिएंट लाइट वहीं से मैंने लगवाया था. तो चलते हैं और फिर वहीं पे आप लोगों से मिलते हैं, भैया को घर से पिक करूँगा और फिर क्योंकि मेरा तो प्लान था घर को गाड़ी को वॉश कराऊँगा और ये बल्ब वल्ब लगवा के फिर घर जाऊँगा. तो उसने फ़ोन किया कि चलो चलते लाइट अपग्रेड करा देते हैं. तो अभी घर जा रहा हूँ, घर से पहले उसको पिक करूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ. मैं इस वॉशिंग के लिए ले आया गाड़ी को, अभी वॉशिंग पे जा रही है, वॉश होगी उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. भाई मुझे बहुत जोर का भूख लगा हुआ है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था. तो जा रहा हूँ मैं, कुछ लेज कुरकुरे ले रहा हूँ मिलेगा तो, क्योंकि अभी मैं घर जाऊँगा तो खाऊँगा, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा खाने का, कुछ नहीं है, यही सब दुकान है. चलो लेज कुरकुरे लेकर मिलते हैं आप लोगों से. एक टकाटक दे दो और एक चिप्स तोड़ लूँ. गाइस मैंने टकाटक लिया है और स्प्राइट लिया है और ये चिप्स स्प्राइट और कोक लिया है.
तो अभी के लिए यही खाते हैं, भूख तो लगा हुआ, अभी घर जाएंगे तो कुछ खाएंगे। और मैंने वॉशिंग के लिए गाड़ी खड़ा कर दिया है यहाँ पे, तो और वो जो मैं अपडेट कराने दिया गया था लाइट वो बंद था, दुकान तो नहीं हो पाया, तो घर पे जाऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा, देखता हूँ। ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल और कूलेंट ये सब चेक करा लिया है। अभी हेडलाइट का काम करा रहा हूँ, क्योंकि वो जहाँ NS कस्टम्स में मैंने काम कराया था वो दुकान बंद थी, तो अभी मैं बल्ब हाई पावर का डलवा रहा हूँ, रिले डाला हुआ है गाड़ी में। तो सो गाइज, गाड़ी का जो भी चेकअप कराना था वो हम करा के वहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत लंबा जाना हमें, तो सब कूलेंट वूलेंट जो भी चेक कराना, चेकअप करा के निकल गए, गाड़ी वॉश भी हो गई है। तो अभी शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर डिनर करेंगे, तो होपफुली हम लोग अभी इंदिरापुरम जा रहे हैं, वहीं पर देखते हैं कहीं पर जाएँगे डिनर के लिए। तो चलो चलते हैं वहीं पे और फिर मिलते हैं आप लोगों से इंदिरापुरम में ही। गाइस ये देखो इंदिरापुरम का ट्रैफिक, इस टाइम पे इंदिरापुरम आना बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने। अरे फ्लाई ओवर से ही मैं बस, गाड़ी रेंग रही है मेरी, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। जाना तो था हैबिटेट सेंटर बट रुक जाऊंगा यहीं पे सिप्रा मॉल के पास से, नहीं जा। सो गाइस हैबिटेट सेंटर आ गए हैं, अभी पार्किंग के लिए लाइन लगा हुआ है, पार्किंग में चलते हैं, उसके बाद ऊपर में जाएंगे मोनार्क। हमें नोएडा से इंदिरापुरम आने में 1 घंटा लग गया, इतना ट्रैफिक था, हेवी ट्रैफिक। जट गैंग नहीं बनाते गैंग रन कर, अपने रख दिया चढ़ते तो चढ़ते नहीं, जिथे चलते रखाने पूरी लहर फड़ते, बंदे जिगरे वाले आ साडे नाल खड़ते नहीं, दिन ढलते ही पूरे शुरू दिन बल्ली, किन्ने तक ने पिंडे ते ना तू गिण बल्ली, होया बैल पूना करते।